क्या ऐसा हुआ कि आप ऐसे घर वाला नहीं मारपीट तो नहीं, लेकिन नशे की लत में जैसे उतना नहीं करते थे काम, मतलब घूमते खाते पीते अपने के लिए कमाते थे बस। मैं अकेली हूँ, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो मैं रेडी लगाती हूँ, तीन लड़कियाँ हैं। मन तो किसी का नहीं करेगा, सबको मन करता कि हम आराम से घर में पड़े रहें, लेकिन मजबूरी है मेरे बच्चों को पालना। मैं सोचती बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ कामयाब बना दो। चार भाई हैं, लेकिन वो भी शादीशुदा, मतलब सब अपने अपने फैमिली देखो। आपकी कोई हेल्प नहीं करता? नहीं जी, मेरी हेल्प कोई। सत श्रीकाल जी, लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भुखा ढिड की कुछ नहीं करवा सकता, मजबूरी जड़ी है बहुत कुछ करवा देंदी है। एक औरत है साढ़े नाल मौजूद, जड़ा अपने बच्चों के ढिड पालन लई मेहनत कर रही है। एक छोटी जी दुकान जी हैगी रोटी दी बना के, रोटी बना के लोगों के ढिड तो भरी रही है, बट अपनी मजबूरी जी है वो भी दस पुछते हैं की गल है। सत श्रीकाल। नमस्ते जी, मैं की नाम लगाते हूँ, मेरा सुनैना नाम है। सुनैना जी, कोई बात नहीं, काम करिए आप। क्या बात, क्या हुई थी, आप ऐसे काम कर रहे हो? मैं अकेली हूँ, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो मैं रेडी लगाती हूँ, तीन लड़कियाँ एक। आपकी शादी कब हुई थी? सन 2000 में। सन 2000 में शादी हुई, क्या ऐसा हुआ कि आप ऐसे घर वाला नहीं मारपीट तो नहीं, लेकिन नशे की लत में जैसे उतना नहीं करते थे काम, मतलब घूमते खाते पीते अपने के लिए कमाते थे बस। आपको कुछ नहीं खर्चा पानी देते? नहीं जी। कितना टाइम आपकी शादी के बाद आप ये काम शुरू किया? मुझे 7 साल हो गए हैं काम करते हुए। 7 साल हो गए हैं? हाँ जी। और आपका घर वाला कहाँ पे इसका? यहाँ तो लुधियाना में ही है। हाँ, मेरे घर पे आता है? साथ में नहीं रहता? नहीं जी। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो, किराए पे जी अपना घर? मैं किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की 1 लड़का है। वो पढ़ते हैं? हाँ वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, बड़ा लड़का पूरे हो गए। कितने, 5 बच्चे थे आपके? 5 थे। एक लड़का पूरा हो गया आपका? तो आपका मन करता है आप जैसे काम करते, मेहनत करने का, मतलब कि मेहनत तो करते हैं? मन तो किसी का नहीं करेगा, सबको मन करता कि हम आराम से घर में पड़े रहें, लेकिन मजबूरी है मेरे बच्चों को पालना। मैं सोचती बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ कामयाब बना दो। आपके मायके में कौन है? हमारे 4 भाई हैं, लेकिन वो भी शादीशुदा, मतलब सब अपने अपने फैमिली देखो। आपकी कोई हेल्प नहीं करता? नहीं जी, मेरी हेल्प कोई नहीं। कभी आपने सोचा था कि ऐसे मैं काम करूंगी शादी से पहले? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं पता मेरी किस्मत यहाँ तक लाएगी, मुझे ऐसे नहीं मालूम था। तो मेहनत कर रही हो, मतलब क्या क्या चीज़ें बनाते हो? मैं परोठा सब्जी दाल चावल यही बनाती हूँ, चाय भी बनाती हूँ। चाय बनाती हो? कितने की प्लेट होती है? पहले तो 20 रुपया प्लेट था, अब तो 30 रुपये कर दिए। रोटी की प्लेट 30 रुपये में? 30 हाँ रुपए की प्लेट में क्या क्या देते हो? 2 परौठे सब्जी चटनी। क्या बात है, इतने कम प्राइस में। मैं देख सकते हो आप एक लेडीज एक तरफ जो मेहनत कर रही है, ऊपर से जो खाना बनाती है वो भी इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। सो इनके पास जो है और भी बात करते हैं इनसे। कितने कस्टमर आपके आ सकते हैं आ जाते हैं जैसे? आपके घर की, आपके घर में आपके सास ससुर नहीं है? नहीं जी, सास ससुर नहीं। कितने भाई हैं आपके घर वाले? 6 भाई हैं। 6 भाई हैं? 6 भाइयों में से आपका ही घर वाला ऐसा है जहाँ और भी, मतलब? हाँ वही ऐसे हैं, बाकी सारे काम करते हैं? बाकी सारे काम। तो आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके साथ हेल्प करवाते हैं जैसे? बच्चे स्कूल से आते हैं तो हेल्प करवा देते हैं। कितने कितने साल के बच्चे हैं? मैं 2 लड़की 9वीं क्लास में हैं, एक छोटी वाली 7वीं में है, छोटा लड़का भी 7वीं क्लास में गया। अच्छा, आप कितने बजे आपका बच्चा स्कूल से आ जाता है, यहाँ पे भी आकर बच्चे आपकी हेल्प करवाते? 12:30 बजे से लड़के के 2 शिफ्ट स्कूल चलता है, तो आते हैं 5:30 बजे, बर्तन वर्तन धुलवा देते हैं, फिर साथ में कमरे चले जाते हैं। आपकी दिहाड़ी जहाँ पे पड़ जाती है, जो करके खर्चे हैं यहाँ के खर्चों से निकल जाते हैं? बस वही खर्चा निकलते हैं, किराए निकालते हो? हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ कभी कुछ जैसे सबका मन होता है मेरा भी अपना घर हो, जहाँ हर एक चीज़ होती है कि मैं ऐसे अपने सपने पूरे करूँ, ऐसा कुछ? सपना तो ऊपर वाले ही जाने पूरा होगा कि नहीं, सपना तो सबका होता है। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे चल के बच्चे पढ़ लिख के क्या पता भगवान चाहे तो कुछ कामयाब बन जाए। सो घर वाला जब नहीं था आपका, ठीक है, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मैं ये रेडी लगा? नहीं, जब मैं लगाई थी ना, तो पहले वो जैसे चाय की दुकान खोले थे यहाँ पर, फिर बंद करने जा रहे थे, फिर वो मैं खुद चली आई। मैं बोली, मैंने बोला कि मैं काम करूँगी, ठीक है, अगर तू नहीं मेहनत कर। हाँ जी, मैं जो ऐसी लड़कियां होती है घर पे बैठी होती हैं जिनके घर वाले नशे वगैरह करते हैं, मारकुट करते हैं उनके साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? खुद की मेहनत है, आपको मेहनत
वो भी खुद की मेहनत करें, यही बोलूंगी कि वो भी खुद के मेहनत करे, इधर उधर भटक हौसला नहीं, अच्छा हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ऊपर वाले अगर हिम्मत दे तो करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया गल कही है इन्होंने कि हिम्मत कदे नहीं हारनी चाहिए हैगी, जज्बा रखना चाहिए कुछ करन दा, कोई भी औरत है कदे भी हार मान के घरे नहीं बैठना चाहिए, बेशक साडा घर वाला निकम्मा आ चाहे वो काम नहीं करता, कई बार इदा दी हुंदी है कि घर वाले काम भी करते हैं पर जोड़े नशे होंगे आ नशिया की लत लग के घर का जोड़ा खर्चा नहीं चक पाते हैं। सो तुम जुड़े रहो लुधियाना लाइव के नाल, मैं मनदीप कौर कैमरा परसन गौतम दे नाल।